गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का वह दिन है जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा गया है और हर साधक अपने गुरु चरणों में आकर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, चाहे सिद्ध गुरुमंडल भी हो, सिद्धाश्रम हो या हम जिस आकाश में गुरुमंडल देखते हैं वहाँ के सभी साधक देवी देवता अपने गुरु के पास पहुँचने की आशा और गुरु जी के चरणों में झुककर प्रणाम करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का आज का दिन है। गुरु स्वच्छंद होकर अपने स्वच्छ मन से अपने शिष्य को आज अपनाते हैं और जो शिष्य चाहता है उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर जब तक अभिषेक हो तब तक एक सुगंधित पांच फूल हाथ में रख लेकर ओम भीम परम तत्वाय नारायण गुरु भीम का पांच माला जप करो। उसके बाद मैं साधना आरंभ करूंगा। जो गुरु चरणों में आपको फूलों को चढ़ाना है इसलिए या गुरु पूर्णिमा का प्रथम दिन गुरु चरणों में हम नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा गुरु के प्रति बताते हैं। थोड़े लोग ओम भीम परम तत्वाय नारायण गुरु भीम इस मंत्र का जप करने से हमें ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते हैं और ओम क्रीम परम तत्वाय नारायण गुरु भीम इस जप करने से सारे रोगों का नाश होता है। आप पांच कोई सुगंधित फूल आपके हाथ में लेकर इस मंत्र को करो, या तो ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः पांच माला या ओम क्रीम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः इसकी पांच माला। जैसा ही अभिषेक होगा उन फूलों को गुरु चरणों में चढ़ा दो। ये प्रथम आज के दिन में पहली बार गुरु चरणों में हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु चरणों में अपने पुष्प समर्पित करना गुरु चरणों में ही अपना कार्य है। सुगंधित फूलों को ला लेकर आपके हाथ में रख लो और पांच माला गुरु मंत्र करो। पहले अभिषेक का कार्यक्रम होगा, उसके बाद मैं आज वो दिव्य साधना जो सिद्धाश्रम में मनाई जाती है और इससे पहले लोगों ने बड़े महान लोगों ने जो साधना संपर्क की वो साधना आपके साथ संपर्क करवाता हूँ और इस गुरु पूर्णिमा में उस सामर्थ्य को आपको देना चाहता हूँ जो सामर्थ्य गुरु जी ने सभी शिष्यों को प्रदान किया है और सिद्धाश्रम पहुँचने के लिए मार्गदर्शक बने। आप पाँच सुगंधित फूल आपके पास डालो और पांच मारा गुरु मंत्र जप करो। मैं तब तक अभिषेक का कार्यक्रम करता हूँ। अभिषेक के बाद हम सब लोग आगे का आज के गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करेंगे। गुरु कृपा प्राप्ति के लिए आगे जो मार्ग है उस मार्ग को का अवलंबन करेंगे। सभी लोग ओम क्रीम परम तत्वाय नारायण गुरु भीमा या ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायण गुरु भीमा इसका पांच मारा जप पहले करें और उन फूलों को गुरु चरणों में अर्पित करें। यह गुरु पूर्णिमा की पहली साधना जो गुरु चरणों में समर्पित करने के बाद ही आज हम साधना में आगे अग्रसर होकर आगे बढ़ेंगे। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप करें, मैं भी करता हूँ, मैं भी अभिषेक के पास जाता हूँ। आप सब लोग उन फूलों को आपके पास रखकर साधना संपन्न करें। उसका पूजन हजार दीपकों में करना चाहिए और जो इसका पूजन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा से करता है वह सामर्थ्यवान जरूर होगा ही होगा, उसको गुरुमंडल उसको आशीर्वाद देगा ही देगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उस दिन नारद जी की पूजा करने के बाद लव कुश ने भी द्रोण में तब द्रोण होते थे द्रोण में दिए लगाए, हजार दीपक गुरु जी के गोल लगाए और कहा कि हमें अभी क्या करना है। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें आज गुरु पूर्णिमा है, तुम इस मंत्र का जाप करो, तुम सामर्थ्यवान कहलाओ। उन्होंने कहा सामर्थ्य कैसा, किसे सामर्थ्य कहा जाता है? तो आपने रामायण में तो बताया, हमें रामायण सिखाया, इस संसार में राम से बड़ा योद्धा नहीं है आपने कहा, इस संसार में हनुमान जैसा वीर इस संसार में नहीं कहा है। क्या प्रभु ये जो राम है ये जो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है और ये हनुमान जी है क्या हम उनको हरा सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य आप हमें प्रदान कर सकते हैं? वाल्मीकि जी हंसे। वाल्मीकि जी ने हंसकर कहा क्या बात करते हो, हाँ तो फिर हम सामर्थ्यवान उसी दिन कहलाएंगे जिस दिन रामचंद्र जी को हरा सकेंगे, जिस दिन हनुमान जी को बांध सकेंगे उस दिन तो हम सामर्थ्यवान कहलाएं। तो ऐसे कुछ आप कर सकते हैं क्या? वाल्मीकि जी ने फिर हंसे। सीता माई भी देखकर कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं कहना चाहिए, रामचंद्र जी योद्धा है, हनुमान वीर उसको कोई बांध नहीं सकता। माँ तुम एक मिनट के लिए ठहर जाओ, मैं गुरु से पूछ रहा हूँ क्या मैं ऐसा सामर्थ्य रख सकता हूँ। वाल्मीकि महर्षि ने कहा आने वाला कल बताएगा बेटा, कल क्या होने वाला है, हम आने वाले कल की बात नहीं करेंगे, क्या आप हम वैसे सामर्थ्यवान आप हमको बनाएंगे? ये बार बार लोग उस प्रश्न कर रहे थे। बोले तो पहले तुम साधना कर लो, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने हजार दीपक लगाए, साधना संपन्न की, साधना हुई और कुछ दिनों के बाद अश्वमेध का घोड़ा शत्रुघ्न लेकर आ रहे थे। तब तक इनको पता नहीं था
और उस घोड़े पे लिखा था जो वीर जो अपने आप को माँ का दूध पिया और अपने आप को वीर समझता है वही इस घोड़े को बांधे और इस घोड़े को रोके, नहीं तो अपना अपने शरण में आकर ये कह दे कि हम इस घोड़े के सामने सर झुकाते हैं और हम शरण आते हैं ये बात कहें। जब लवकुश ने दोनों ने देखा हम हमारे गुरु के सिवा किसी की शरण में नहीं जाते, ये घोड़े में क्या लिखा है शरण जाना, हम नहीं शरण जाएंगे, हम तो घोड़े को पकड़ लेंगे, हम क्यों शरण जाएंगे, हम तो हमारे गुरु को शरण जाएंगे, हम दूसरों को शरण नहीं जाएंगे। उन्होंने गुरु घोड़े को पकड़ लिया जैसा ही, तो उतने में पीछे से शत्रुघ्न आए और कहा ए बालक छोटे जबकि दूध के दांत भी सीधे नहीं आए, क्या घोड़े को पकड़ा है, दूध के दांत का पता बाद में चलेगा, पहले घोड़े को बांध में बांध के रखे हैं, आप क्या चाहते हैं ये बताओ, तो घोड़े को छोड़ेगा या हम ले जाएं, तो ये मैं तो घोड़े को छोड़ूंगा नहीं क्योंकि आपने इसमें लिखा है कि आप इस घोड़े को आते ही नमस्कार कर शरण किया उसको माफ कर दिया जाएगा, हम चाहते हैं कि हमारा सामर्थ्य कितना है, हमने घोड़े को पकड़ के रखा है, अब आप आपका सामर्थ्य बताओ, अगर आप हमसे हार गए तो आप हमारा घोड़ा ले जाओ यहाँ से ले जाओ। शत्रुघ्न ने कहा तुम छोटे बच्चे हैं तुम छोड़ो, बच्चे छोटे बड़े इसका बात इसकी बात नहीं, ये है सामर्थ्य की बात है, आप आ जाओ। शत्रुघ्न आए और उन्होंने कहा ये बात की थी कहने पर भी नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने पहला बाण उनके ऊपर छोड़ा, तो लोग उस खड़े थे बोले तुम क्या बाण छोड़ते हो, हम बाण छोड़ते हैं, देखो दो मिनट में बाण छोड़े शत्रुघ्न बेहोश गिर गए, अब शत्रुघ्न गिर गए तो उनको उन्होंने बांध के रखा, देखते क्या है सब लोग जाकर सैनिक भागते भागते गए अयोध्या, भाई शत्रुघ्न को कोई बच्चे ने नीचे बेहोश करके गिरा दिया है, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, भरत बोले मैं जाता हूँ, लक्ष्मण तू ठहरना मैं जाता हूँ, बच्चे क्या मारने को बच्चे क्या करते हैं, लक्ष्मण और भरत आए दोनों, लक्ष्मण भरत ने कहा कि कौन बच्चे है किसने मांगा, चलो छोड़ो आपका भाई को बांध के रखा है अब आपका नंबर है, आप या बंद जाएंगे या हमारे से युद्ध करेंगे, लक्ष्मण और भरत समझा रहे थे भाई ऐसा नहीं है तो ऐसी बात सुनो, तो उतने में ये बात जब हनुमान जी को मालूम हुई तो हनुमान जी भागते भागते आए बोले ए बच्चों क्या तुम क्या ना ये क्या मजाक करके रखा है, तुम्हें पता है ये अयोध्या के राजा राम के भाई लक्ष्मण और भरतशत्रुघ्न हैं और इन्होंने पूरे रावण की लंका को हिला हिला के रख दिया था और तुम उनको मान रहे हैं, हमें पता है कि ये रावण को मारे हैं किस तरह मारे हैं वाली को मारे हैं सब पता, हमें चाहिए कि आज वो हमें मारे हम उनकी शरण में जाएं या वो हमारी शरण में आए, हम चाहते हैं कि हम सामर्थ्यवान हैं या नहीं हमारे गुरु को पूछना चाहते, ये तो हुआ भरत शत्रुघ्न को भी भरत और लक्ष्मण जी को भी बांधने की क्रिया हुई, बाद में देखा कि हनुमान जी बहुत ही भड़क रहे थे, उन्होंने कहा भैया क्या करना है क्या करना है, तो पहले बाण मार और ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को बांध दे, हनुमान जी बंध गए ब्रह्मास्त्र को देखते हो उसके इसके रहने बोली ये बच्चे है कौन, बंदे बंदे हनुमान जी ही पीछे पीछे चलते गए और देखा कि ये कौन है कहाँ है, वे आदमी वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे और वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे तो देखा क्या है महर्षि वाल्मीकि, तो महर्षि वाल्मीकि को पूछा कि भाई मैं हनुमान हूँ ये दो बच्चे तुम्हारे आश्रम के दो आश्रमवासी लक्ष्मण भरत का शत्रु का घोड़ा पकड़ लिए हैं और उन्होंने बांधा है, जैसे ही ये बात माता सीता के कान पे गई सीता भागते हुए आई, क्या हुआ जब सीता को हनुमान ने देखा उनके आंखों में आंसू आए और कहा कि माँ तुम हो और ये वो बच्चे हैं रामचंद्र के बच्चे, तब तो मैं बंधा ही रहूँगा मुझे बंधने में ही अच्छा है मैं सामर्थ्यवान मैं तो बंधा ही रहूँगा मैं जाऊँगा, वाल्मीकि भागते हुए आए थे और लवकुश को कहा बेटा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं हमारा सामर्थ्य देख रहे हैं, आपने कहा था रामायण में कि राम बहुत सामर्थ्यवान है रावण को मारा है भगत शत्रुघ्न को मारा है हनुमान जी बहुत सामर्थ्यवान है, तो हमने आज जो आपने साधना करवाई हम चाहते थे कि हम सामर्थ्यवान हैं इन्हें देखना चाहते थे इसलिए हमने इस सभी को बांधा है, आगे की कहानी आपको मालूम है रामचंद्र जी आए सीता माई अपने बच्चों को उनको अपने सामर्थ्यवान बच्चों को देखकर रामचंद्र जी के चरणों कांतों में भी आंसू आए, लवकुश को उनको दे दिया और वाल्मीकि ने भी उसको सौंपा और सीता अपना कार्य समाप्त कर पृथ्वी में समा गई अपनी माँ की गोद में चली गई, यह हमारे रामायण में कहा। तो ऐसी साधना जो गुरु अपने बच्चों को जो छोटे बच्चे थे रामायण में रामचंद्र जी जैसे उनको टक्कर लेने की शक्ति रहते हैं, क्या हम टक्कर लेंगे, हम टक्कर लेने की क्षमता रखेंगे, हम क्या ऐसी साधना करेंगे, गुरु पूर्णिमा के दिन जो इस साधना को करता है जो अपने गुरुमंडल का आह्वान करता है, तुम्हारे पूर्व जन्म में कौन गुरु थे उससे पहले कौन गुरु थे तुम्हें नहीं मालूम, इस जन्म में कौन गुरु थे, मैं तो कहता हूँ ओंकार से लेकर तुम्हें आई पढ़ाने वाला तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप ये सब तुम्हारे गुरु है, तो तुम्हारे युग में ऐसे कितने ही गुरु है, क्या उनके गुरु का तुम पूजन करते हो, क्या क्या तुमने इस गुरु का पूजन किया है, लेकिन इस गुरु पूर्णिमा के दिन हजार दीपकों के रूप में उनका पूजन करते हो तो वो कोई भी तुम्हारा कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता और जिसके ऊपर गुरु कृपा हो तो असमर्थ नहीं हो सकता।
मैंने ये बात देखी, गुरु जी ने स्वयं अपने पुस्तक में लिखा है कि यह साधना सहज सहज नहीं है और इसको सामर्थ्यवान लोग ही इस साधना को कर सकते हैं। अगर कभी आपको गुरु जी का सिद्धाश्रम का 24 सूत्रों वाला 24 साधनाओं वाला सिद्धाश्रम साधना का पुस्तक मिला तो उसमें आप इस साधना को देख सकते हैं, जिसे सच्चिदानंद साधना कहा गया है। गुरु जी स्वयं करते हैं, जो सामर्थ्यवान है वही इस साधना को कर सकता है। इसके बाद नंबर दो पे आए कार्तिक वीराजन। कार्तिक वीराजन अपने गुरु दत्तात्रेय जी के पास बैठे हुए थे और उन्होंने दत्तात्रेय जी से कहा कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन संसार में ऐसा करो कि मैं तो अभी आपके पास बैठ के, आप बार बार कहते हो कि मुझे तेरी गुरु सेवा खत्म हो गई, अब तुझे आगे जाना है, लोक कल्याण करना है। वो कहते हैं मुझे लोक कल्याण में कोई रुचि नहीं है, ना मुझे किसमें रुचि नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, मैं आपका शिष्य हूँ, अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे सामर्थ्यवान करके बताओ। मैं असमर्थ जीना नहीं चाहता, मैं जाकर मेरे गुरु का नाम बदनाम नहीं करना चाहता। जीवूंगा तो सामर्थ्य होगा, मरूंगा तो सामर्थ्यवान करके बनूंगा, इसके लिए क्या करना है। भगवान दत्तात्रेय जी ने भी गुरु पूर्णिमा के दिन इसी हजार दीपकों को लगाकर उसको कहा कि यह 5 दिन की साधना है, हे कार्तिक वीराजन तू इस भट्ट को इस मंत्र को कर और तेरे सारे गुरु मंडल को, तू जितने बार भी पृथ्वी पर जन्म लिया है, मानव जन्म हो कि पुरुष जन्म हो, तुझे कौन गुरु है उनका सभी का ऋण चुका ले। गुरु ऋण को चुकाने का मतलब यह होता है गुरु को प्रसन्न करना। ऋण तो चुकता नहीं, लेकिन गुरु अपने ऊपर प्रसन्न होना, यही हमारे गुरु का ऋण चुकता होना है। और कार्तिक वीराजन ने इसी गुरु पूर्णिमा के दिन यह साधना की थी और भगवान दत्तात्रेय से मांगी थी, भगवान सारे भगवान बहुत देवताएं हैं प्रभु, देवताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझमें एक ऐसी विशिष्ट साधना, विशिष्ट एक गुण दो जो अन्य देवताओं के पास नहीं है। तो दत्तात्रेय ने कहा, बहुत सोचा, हाँ एक साधना तुझे जरूर देता हूँ, गणपति जी है संकटों का नाश करेंगे, हनुमान जी है तुम्हारे भूत प्रेतों का नाश करेंगे, लक्ष्मी जी है धन देगी, सरस्वती जी विद्या देगी, ब्रह्मा, ये सारी चीजें लगे हैं। अब वो दत्तात्रेय को सोचना पड़ा कि इसको विशिष्ट गुण की कौन सी साधना है, तुझे एक साधना देता हूँ, इस संसार में वो वैसा वैसा गुण वाला व्यक्ति तो वैसा गुण वाला देवता कोई नहीं मिलेगा। बोले क्या, इस संसार में किसी का तो कुछ खो गया है, तो अगर उसे मिलने की प्रक्रिया करते हैं तो केवल कार्तिक वीराजन करेगा, ऐसा विशिष्ट गुण वाला देवता तुझे बनाता हूँ, ऐसा सामर्थ्यवान तुझे बनाता हूँ। दत्तात्रेय के कहने पर उन्होंने कहा, क्या बात है प्रभु, आपने ये विशिष्ट गुण का देवता मुझे बनाया, और जहां भी ये बात कहा तो उसने कभी कहा, क्या कहते हैं, कार्तिक वीराजन नाम राजा बहु सहस्त्रवान तस्य संस्मरणात् एव हृतं नष्टं सर्वते, तुमने तुम्हारा जो कुछ भी खोया है उसको प्राप्त करने के लिए कार्तिक वीराजन की साधना करो, ऐसा विशिष्ट गुण ऐसा सामर्थ्य कार्तिक वीराजन को दिया था। और कार्तिक वीराजन जब अपने गुरु के पास से जा रहे थे तो उन्होंने 3 वर मांगे, एक, जब भी मैं संसार प्रभु भूमंडल पर कहूँ इसलिए चक्रवर्तियों में सहस्त्रार्जुन या कार्तिक वीराजन का नाम दिया जाता है, मैं भूमंडल में गुरु मेरे प्रजा मैं जिसका पालन करता हूँ चक्रवर्ती बनकर वो कभी दुखी ना हो, एक प्रजा को भी मैं दुखी ना देखूं ऐसा मुझमें, और मैं कभी गुरु धर्म से हटूं नहीं, कभी किसी के ऊपर अन्याय हुआ तो उसकी रक्षा कर सकूं ऐसा पहला वर मुझे दो। कहते हैं कि कार्तिक वीराजन ही एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने ब्रह्मांड चक्रवर्ती के पूरी पृथ्वी के पालन करते थे, और दत्त जयंती या दत्त अनगा व्रत के दिन वो कहते थे कि आज किसी के घर में चूल्हा नहीं होगा और हर एक आदमी को दत्त अनगा व्रत करना ही होगा और तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा इसकी गारंटी मैं देता हूं, ऐसा कहने वाला एक सामर्थ्यवान शिष्य था तो वो कार्तिक वीराजन था, जिसने दत्तान का व्रत करवाया और सभी लोगों को करवाकर अन्नदान आदि करवाया। ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति थे कार्तिक वीराजन जिन्होंने ये 1000 दीपक वाली गुरुमंडल साधना संपन्न की थी। और दत्तात्रेय को पूछा था कि मैं मरना तो हर एक को है, बीमार होकर या कोई ऐसा होकर मरना नहीं, मैं मरूंगा तो ऐसे सामर्थ्य जो मुझसे भी ज्यादा सामर्थ्य रखता हो उसके हाथों में मरूंगा, ऐसा आशीर्वाद तो मरूंगा तो जरूर। और उनका उनकी मृत्यु परशुराम जी के साथ हुई थी। तीसरा व्यक्तित्व था रावण। रावण शिव जी के पास गया और शिव जी को उन्होंने कहा कि ब्रह्म ये पुलस्त्य तो मेरे ताक है और ब्रह्म हमारे गुरु है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ चाहिए तो आपसे पूछे, मैं आपके पास आया हूं, मैं कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण को दरिद्र होने का आशीर्वाद दिया है, मैं चाहता हूं कि हे प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ्यवान बनाओ कि मैं और मेरे साथ रहने वाले लोग इतने धनवान हो, मेरे साथ रहने वाले इतना आनंद अनुभव करें कि वे, आप तो आज कहते हैं कि हमारा एक अच्छा सा क्या बोलते हैं अच्छा सा गार्डन वाला होम हो, एक अच्छा सा घर हो और उसमें खाना पीने की सब तैयारी। रावण ने कहा ये तो सब मामूली है,
मेरे सैनिकों को भी सोने का घर हो, सोने की थाली में खाए, ऐसा सोना मुझे चाहिए, ऐसा स्वर्ण मुझे चाहिए। बोलो इसके लिए क्या साधना करनी है। शिव जी ने स्वर्ण पात्र देते हुए कुबेर को भी ये साधना देते हो, गुरु पूर्णिमा के दिन तुम जिस गुरु को मानते हो उस गुरु के लिए तुम इस गुरुमंडल को रखकर, हे रावण तुमने कितने भी किया है, तुम रावण ब्रह्म कहलाते हो, इस साधना को संपन्न करो। और तुम्हें माना है रावण के सामर्थ्य को आप सब लोग जानते हो, ब्रह्म कहलाया, उसके सैनिक भी सोने की थाली में खाते थे और स्वर्ण अलंकार में जीता था, ऐसा सामर्थ्यवान था। ऐसे सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए इसी गुरुमंडल की साधना को गुरु पूर्णिमा के दिन पांच जी ने संपन्न किया था, वही साधना मैं आपको आज असंपन्न करवा रहा हूँ। इसके बाद हुए पांचवे व्यक्तित्व विक्रम, महाराजा विक्रमादित्य जो भी चक्रवर्ती कहलाए, उन्होंने अपने गुरु के प्रति निष्ठा करते हुए कहा कि मुझे इस संसार में विचरण करने की शक्ति चाहिए। तब उन्होंने माता काली के साथ उसके गण को गाते हुए कहा कि तुम वेताल की सिद्धि करो। वेताल की सिद्धि उन्होंने संपन्न की और वेताल के कारण वे ब्रह्मांड में कहीं भी घूमकर आ जा सकते थे। माता काली तो उन्हें प्रसन्न थी ही, उसके साथ साथ उन्होंने गुरुमंडल की साधना की और कहा मैं जब तक रहूंगा मेरा नाम शक के रूप में जाना चाहिए और विक्रम शताब्दी है, विक्रम आदि आज भी शककर्ताओं में विक्रम महाराजा विक्रमादित्य का नाम लेता है, ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्तित्व थे। आप अपने जीवन में भी अगर हमें ये साधना मालूम है, मैं कहता हूं कि हम शककर्ता तो हो सकते हैं नहीं हो सकते, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि स्वामी निखिलेश्वर जी का नाम लेकर हम संसार में जाएंगे और सामर्थ्यवान व्यक्तित्व बनकर लेंगे, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है। तैयारी तो मैंने की है, 5 दिन अखंड दिया लगाऊंगा, 5 दिन 1000 दीपक जलाऊंगा और आपको केवल गुरु के चरणों में फूल चढ़ाकर आज से 5 दिन आप रहो या ना रहो, मैं तो 5 दिन साधना यहाँ करूंगा। आपको नहीं हो सकता है 1000 दीपक लगाना, नहीं हो सकता है तो आपके घर में, आपके कहीं आश्रम में, अभी हमारे वाक्सर है आश्रम बांधे हैं, जिसको जिसको आश्रम है, मैं तो उनसे कहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद 1000 दीपक लगाकर अपने सारे साधक बंधुओं को ये साधना अब कहें तो सामर्थ्यवान। हमारे अग्रवाल जी है, उनका भी तो बड़ा हाउस है, टेंट हाउस है, टेंट डाले 1000 लोगों को दे, जो भी अपने साधक जहां जहां से छत्तीसगढ़ से आए हैं, लेकिन पहले साधना का आरंभ यहां से होगा जहां निखिल चेतना केंद्र है। और आप अनुभव करेंगे, आप गुजरात हो या कहीं के साधक हो, इस साधना को 5 दिन करके मेरे को बताओ कि आपकी जो भी इच्छा करेंगे, आप असमर्थ नहीं जीना, आप भी सोने के लंका में जीना, आपके साथ आपकी फैमिली नहीं, 4 लोग जीने की कला अपने में आना, इसके साधना आज गुरु पूर्णिमा के दिन संपन्न करवा रहा हूँ और आपको करवाऊंगा। आपके बच्चे भी सामर्थ्यवान हो, माता सीता ने कहा मैं अगर चली गई तो मेरे बेटे का सामर्थ्य कहां देख सकती हूँ, और उन्होंने अपने सामने ही भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी को बांधने के बाद अपने बेटों का सामर्थ्य देखा। हम अपने सामने अपना सामर्थ्य देखना चाहिए, मरने के बाद मेरा नाम भी ले ले तो क्या मतलब क्या हुआ। हम अपने सामने अपने बेटों का, अपने घर का, अपने अपना नाम और अपने गुरु का नाम संसार में कर सकते हैं, तो उसे सामर्थ्य कहा गया है। हमारे चले जाने के बाद कोई नाम भी ले, हमारे चले जाने के बाद स्वामी निखिलेश्वरानंद के तो वो तो स्वयं सामर्थ्यवान है, उनके खड़िया घंटियां तो बजेंगे ही बजेंगे, लेकिन उनका शिष्य भी सामर्थ्यवान हुआ ये कहने तो उनको भी आनंद होगा, गुरुमंडल को आनंद होगा और आपको भी आनंद होगा। क्योंकि आज की गुरु पूर्णिमा में मैं आपको खाली हाथ जाने नहीं देता, खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। जो भी साधना करना है इसमें कुछ भी करना नहीं है, 1000 दीपक लगाएंगे, गुरु की चरणों में फूल चढ़ाकर एक अखंड दीपक लगाया जाएगा। मैं तो यहाँ 5 दिन रहने वाला हूँ, मैं तो 5 दिन करूंगा ही साधना, आप कोई रहने वाले तो आप करें, नहीं तो जहां भी आप घर में जाएं, आप इस वर्ष में कभी भी इस साधना को आज एक बार कर लिए तो बाकी के 5 दिन आप कहीं भी रहकर 1000 दीपक लगाकर इस साधना को कर सकते हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा है कि यह साधना मामूली साधना नहीं है, इस साधना को जो कर रहा है वो निश्चित रूप से सामर्थ्यवान बनेगा और वो सच्चिदानंद साधना तुम्हारे इस जन्म से नहीं, 100 जन्मों से या आने वाले जन्मों से भी तुम कभी गुरु से अप्रसन्न हुए या गुरु तुम पर अप्रसन्न हुआ, गुरु की अवकृपा हुई, फिर भी इस साधना को करने पर सारा गुरुमंडल आपके ऊपर प्रसन्नता लेता है। और हम गुरु को प्रसन्न करना ही अपने गुरु को, गुरु के ऋण से चुकता होना है, ऋण से चुकता तो नहीं हो सकते, लेकिन गुरु की प्रसन्नता ही श्रेष्ठ प्रसन्नता कहलाई गई है। मैं आपको, क्योंकि ज्यादा आज समय नहीं है, मैंने देखा है ये COVID-19 या कोरोना, गुरु जी हमारा पास है, हम 4 बजे जाएंगे, हमारे को नौकरी है, हम 6 बजे जाएंगे, हम वो जाएंगे, 7 बजे जाएंगे, अब आपको तो जाना है, ये आपकी मजबूरी है, लेकिन साधना देना मेरी मजबूरी है, मैं देता हूँ कि आपको सामर्थ्यवान देखो, आपकी इच्छा को पूर्ण करवाऊ। इसलिए मैंने अभी टाइम कितना हुआ है, 10:30 हो गए हैं, ये भी मंत्र छोटा सा है, कम से कम 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में 101 माला हो जाएंगे। आप 101 माला करो,
बाद में गुरु पूजन होगा, केक कटिंग होगा, आपको भोजन दूंगा, उसके बाद अगर आप रहते हैं तो आज रात में भी साधना कर सकते हैं। और आज से 5 दिन जो साधक हमारे आश्रमवासी और जो यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए 5 दिन 1000 दीपक जलेंगे और हम साधना संपन्न जरूर करेंगे और हम इस गुरु मंडल का आशीर्वाद जरूर लेंगे। अभी समय के कम होने के कारण मैं आपको मंत्र देता हूँ, केवल तिलक कर लो और उस दीपक जलाने के बाद आप फूल चढ़ाओ और ये जो मंत्र देता हूँ उसकी 101 माला संपन्न करो, मैं भी संपन्न करता हूँ, उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम भोजन या जो भी आज गुरु जी का गुरु पूर्णिमा के बारे में हम जो परंपरा नहीं है फिर भी कलयुग की परंपरा के अनुसार केक कट करेंगे, उसके बाद गुरु आरती को संपन्न होगी, उसके बाद समर्पण स्तुति होगी, आपका भोजन होगा, बाद में मैं आपको सुनूंगा और आपको जाने के लिए जो जाने वाले हैं जो जल्दी जल्दी जाने अक्सर जल्दी जाएंगे शाम तक चले जाएंगे है ना पास है अक्सर चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ वाले अग्रवाल जी चले जाएंगे, आए हम इतनी दूर से वरंगल वाले चले जाएंगे, ऑफिस वाले चले जाएंगे, अपने घर बीवी बच्चों को देखने वाले चले जाएंगे, फिर आप सब चले जाएंगे तो पहले ही साधना करवाना है, इसलिए अभी साधना के लिए नागपुर वाले भी आए हैं, अब नहीं तो उनकी चिट्ठी आनी शुरू हो जाएंगे, गुरु हम 4 बजे जाना है हमारा पास है, 5 बजे जाएंगे, 7 बजे जाएंगे, आपके पास रखो और मेरे पास आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं आपको उस मंत्र को अभी आपके सामने देता हूं, मंत्र आप मंत्र छोटा सा है लेकिन निष्ठा के साथ उन 1000 दीपकों को लेकर इधर बैठकर आप गोल भी बैठ सकते हैं, बैठकर इस साधना को संपन्न करो। मंत्र छोटा सा है, ओम सच्चि स्वरूपाय परम गुरवे नमः, ओम सच्चित स्वरूपाय परम गुरुवे नमः, इस मंत्र को सिद्धाश्रम मंत्र कहा गया है और इस मंत्र को सच्चिदानंद रूपी ब्रह्म विष्णु और महेश को जानने के लिए किया गया है। दीपक अभी जलाए जाएंगे, मैं स्वयं गुरु पूजन करूंगा, दीपकों का पूजन करूंगा और आप सब लोग दीपकों की ओर मुख करके दीपकों को देखते हुए इस मंत्र की 101 माला करनी है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपके जीवन की विशिष्ट साधना दे रहा हूं, ये गुरु जी सिद्धाश्रम की साधना के बारे में बताए हैं, आप दीपकों को देखकर इसकी 101 माला आज यहाँ संपन्न कर लो और जीवन में आने वाले गुरु पूर्णिमा तक कभी भी आप 1000 दीपक रखकर 5 माला इसका इस 101 माला संपन्न कर सकते हैं। स्फटिक माला से या आपके पास जो भी माला हो इसका इसमें कोई ऐसा नहीं है, आपका ध्यान हो आप चंदन का तिलक कर लें, चंदन का तिलक कर लें और स्फटिक माला से उस 1000 दीपकों को देखते हुए 101 माला जप करना है। मंत्र है ओम सच्चि स्वरूपाय परम गुरुवे नमः, आपको ये चिट्ठी अगर आप लेना चाहते हैं तो चिट्ठी जैसे मैं फिर भी बोर्ड पर मंत्र लिख के देता हूं, आप सब लोग इस मंत्र को करने के लिए 1000 दीपक जलने के बाद इस साधना को संपन्न करो, बाद में गुरु आरती होगी और गुरु का कार्यक्रम होगा। मैं ये किसलिए कह रहा हूं कि मैं आप जब यहां आए हैं तो सामर्थ्यवान बनकर जाओ, यहां बहुत लोग कह रहे हैं कि इतने लोग आए हैं यहाँ कोविड-19 परमिशन नहीं देता, मैं बोल रहा हूँ हमने दीपक जलाए हैं यहाँ कोविड का वायरस जल जाएगा, यहाँ कोई बात नहीं करेगा, हम अलग अलग बैठेंगे और हम साधना संपन्न करेंगे। अब सब लोग दीपकों की तरफ मुंह कर लो और स्फटिक माला से इस मंत्र को करो, मंत्र केवल है ओम सच्चि स्वरूपाय परम गुरु वही नमः, मैं मंत्र लिख देता हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, आपको जाना है ये भी मैं जानता हूं और आपको हवन आदि करवाना है ये भी मैं जानता हूं, आप सब लोग आपका मुंह दीपकों की तरफ कर लो, मैं पूजा करता हूं और इस साधना को संपन्न करने के बाद आपको खाना खाकर आगे जो भी कार्यक्रम करना है आप कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन इस साधना से ना चूके, ये गुरु पूर्णिमा की श्रेष्ठतम साधना है, सामर्थ्यवान बनाने की साधना है, ये सब लोग आप दीपक को देखते हुए इस साधना को संपन्न करें, ऐसा ही आशीर्वाद प्रदान करता हूं, आप साधना संपन्न करें। Gracias.